हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस ऑफ क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट्स आज मैं आपको कक्षा 6 की विज्ञान में पाठ 8 बॉडी मूवमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक लेसन को समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड दिस लेसन। सम पॉइंट्स एज फर्स्ट इज हियर, बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेन्स। देखिए, बोन्स जो होते हैं एक प्रकार का कंकाल होता है मानव शरीर में, जो हमारे शरीर को या ह्यूमन बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक आकार देता है, और जो इसके हमारे शरीर के इनर ऑर्गेन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको सुरक्षित रखता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। नाउ सेकेंड इज हियर, द ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल, कंप्राइजेज द स्कल, द बैक बोन, रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्जर एंड हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग। ये सारे, ये जो कंकाल होता है, कंकाल में जैसे बैकबोन है, रिब्स हैं, एंड द ब्रेस्ट बोन है, शोल्जर है, हिप बोन्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे कंकाल के अंतर्गत आते हैं। नंबर थर्ड, द बोन्स आर मूव्स बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। नंबर फोर, द बोन जॉइंट्स आर, द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। ठीक, तो देयर आर फोर पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हेयर, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टूगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टूगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स। सिक्स पॉइंट, फिश स्विम by forming loops alternately on to the sides of the body. Number 7, snakes slithers on the ground by looping sideways a large number of bones and associated muscles push the body forward. 8th point, the body and legs, cockroaches have hard coverings forming an outer skeleton. Number 9, earthworm move by alternate extension and contraction of the body using muscles. Number 10, snail move with the help of a muscular foot. There are 10 important points you have to put down into your notebook clearly and learn these points. Now next is here,
हाँ, अब बच्चों देखिए, यहाँ एक टेबल दे रखी है। टेबल में मैंने एनिमल्स और उनके नेम्स, एनिमल्स नेम लिखे हैं और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए किस बॉडी के किस पार्ट्स का उपयोग करते हैं, और हाउ डज एनिमल मूव, और कैसे गति करते हैं। तो देखिएगा, पहले काव। काव क्या करते हैं? लेग्स का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और चलते हैं। वॉक माने चलना या टहलना। नंबर टू, यहाँ ह्यूमन, ह्यूमन जो है लेग्स का प्रयोग करते हैं, और वही जैसे गाय चलती है वैसे ही मानव भी चलता है। तो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। स्नैक, होल बॉडी, पूरा बॉडी का उपयोग करते हैं शाम। और क्या करते हैं, कैसे चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं? स्लिथर, स्लिथर मीन्स रेंग करके, रेंगना। नंबर अगला है बर्ड। बर्ड विंग्स, विंग्स माने पर, परों का प्रयोग करते हैं और फ्लाई उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। इंसेक्ट, अब इंसेक्ट है बच्चों, कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, वो लेग्स का प्रयोग भी करते हैं और विंग्स का प्रयोग भी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉकरोच को देखिए, कॉकरोच चलता भी है और उड़ता भी है, ठीक है? तो विंग्स परों का प्रयोग भी करते ही है, लेग्स का भी प्रयोग करते हैं, वॉक चलकर और फ्लाई उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। फिर है स्विम, तैरना, फिन्स, ठीक है? ये पंख, फिन्स मीन्स पंख, पंखों का प्रयोग करते हैं। जैसे उड़ने के लिए पंख चाहिए, तो स्विम यहां तैरने के लिए फिन्स का प्रयोग, फिन्स और स्विम, तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल भी आप बनाएंगे अपनी कॉपी में और इसको याद भी करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।